एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर मेरा जो है थोड़ा बहुत काम हो चुका है, जैसे कि झाड़ू लग चुकी है पूरे घर में और किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है। तो मैंने सोचा चलो कि ना थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनाई जाए आप लोगों के लिए कि मॉर्निंग में कैसा रहता है मेरा मॉर्निंग। वैसे मैं बहुत बारी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन रोज़ रोज का कुछ ना कुछ तो अलग होता ही है। तो यहाँ पर अभी पतिदेव की बाइक खड़ी है क्योंकि वो अभी घर पे हैं और अभी गए नहीं हैं, सो रहे हैं। तो आज फटाफट मैं उठ के जल्दी जल्दी से मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया। मेरा क्यूटी भी सो रहा है, पतिदेव भी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा इन लोग के उठने से पहले मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और यहाँ पर मैंने इस पानी डालकर बस इसको वाइपर लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बाइक खड़ी है अभी जब ये हटेगी तब भी मुझे पोछा मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ ना धूल मिट्टी थोड़ा बहुत तो आ ही जाती है। तो इसलिए मैंने बस पानी डाला और वाइपर लगा दिया। तो बस आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है फ्रेंड्स। ब्लॉग में एंड तक बने रहना और प्लीज़ 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 सपोर्ट ज़रूर करना यार। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में। देखने में ऐसा लगता होगा कि रोज़ वाला ही काम है, लेकिन रोज़ वाले काम में ही मुझे बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम पर। एक तो गर्मी बहुत तेज़ है, ऊपर से धूप इतनी तेज़ पड़ रही है और फिर कुछ भी करने का नहीं मन करता। मन करता है बस शांति से चुपचाप बैठे रहो। तो यहाँ पर फटाफट मैं आ गई हूँ आगे वाले रूम में और यहाँ पर ये चद्दर वगैरह जो यहाँ पर बेडशीट नहीं ये पर्दे मैंने बिछाए हैं बक्से के ऊपर, जो कि जो है बक्सा वगैरह गंदा बहुत हो जाता है। तो ये सारा मैं सोच रही हूँ वॉशिंग मशीन में डाल दूँ, क्योंकि ये हफ्ते में एक बार तो धुलना ही पड़ता है क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो बस इसको मैंने सोचा चलो फटाफट निकालते हैं और ये सारा कुछ मशीन में डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगाया था, फटाफट पोछा लगाएंगे और उसके बाद फिर जो है मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। क्लीनिंग वाला तो ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि हाथ से मैं धुल नहीं पाऊँगी। धुल लूँगी लेकिन थोड़ा सा अभी मुझे बहुत ध्यान रखना है अपना, क्योंकि अगली बार की तरह इस बार मैं गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगली बार मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था और इस बार भी मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि जब जो चीज़ आपके सामने होती ना आप उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हो। तो बस भगवान की वजह से सब कुछ अच्छे अच्छे हो जाए और अच्छे अच्छे से हो रहा है। तो बस यहाँ पर पोछा लग गया, किचन में पोछा लगा के काम ख़त्म हो जाएगा मेरा। फिर मुझे पूजा करनी है और फिर पतिदेव को और अपने क्यूटी को उठाना है, क्योंकि तब तक जो है बच जाएगी 8 और ये लोग इतनी देर तक सोएंगे तो दोपहर में मेरा क्यूटी मुझे नहीं सोने देगा। तो इसलिए फटाफट उनको उठाएंगे और ये पोछा धुलकर मैं फैला दूँगी। धुलने से ये होता ना थोड़ा सा साफ सुथरा रहता है और स्मेल वगैरह नहीं आती है, नहीं तो फिर स्मेल आने लगती है अगर आप ऐसे ही टांग दो ना धुलो तो। तो बस चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी सी देर में आप लोगों से, पहले ये सारा काम ख़त्म करते हैं और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ। जब तक मैं नहा के आऊँगी तब तक थोड़े बहुत तो धुल ही जाएंगे। तो बस सारा काम वाम का ना एकदम टाइम टेबल बनाना पड़ता है, नहीं तो सारा काम जो है अधूरा रहता है और पड़ा रहता है। तो बस कुछ इस तरीके से मेरा काम होता है। और गर्मी में आप लोग अपना काम कैसे कर रहे हैं, अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हो सकता हो कुछ आइडिया आप लोग से मिल जाए मुझे। क्योंकि एक तो ऐसी मेरी हालत ऐसी है, दूसरा मेरा क्यूटी बच्चा, उसको देखना, खुद के ऊपर ध्यान देना, तो इस गर्मी में ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर फैमिली के लिए खाना पीना सारा कुछ बनाकर तैयार करना तो थोड़ा सा तो मुश्किल हो ही जाता है। यहाँ पर मैंने पूजा कर ली भगवान जी की, जैसी भी मुझे आती है प्लीज़ इग्नोर करना और कोई ऐसा कमेंट्स मत करना, क्योंकि मैं अपने हिसाब से पूजा पाठ करती हूँ जो जैसा मुझे आता है। और ऐसा मैंने कोई नियम नहीं बनाया है कि मुझे रोज़ ही करनी है। ये नियम बनाना तो बहुत आसान है लेकिन उसको फॉलो करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं अपने हिसाब से करती रहती हूँ। पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर सबसे पहले चाय चढ़ाऊँगी, उसके बाद यहाँ पर जो है मलाई मैं निकाल के रख रही हूँ और यहाँ पर लोटे में दूध रखा था और जल्दबाजी में देखिए मैंने मलाई मुझे कटोरे में डालनी चाहिए थी, मैंने लोटे में डाल दिया। तो चलो कोई बात नहीं, भी बाद में निकाल लेते हैं। और उसके बाद फिर जो है दूसरी तरफ मैं राजमा चढ़ा दूंगी, क्योंकि आज मैंने भिगाया है राजमा तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। वैसे भिगाने से पहले मैं चेक करती हूँ लेकिन भीगने के बाद भी चेक करना ज़रूरी होता है, तो इसको मैं चेक कर लूँगी। अभी तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, इतना हैवी खाना कौन खाएगा सुबह सुबह। तो दोपहर में बनाऊँगी लेकिन तैयारी अभी से कर लूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा सा आराम कर लूँगी, नहीं तो फिर इसी में जो है ना बिजी रह जाती हूँ मैं पूरा टाइम।
तो बस फटाफट इसको बीनेंगे और उसके बाद एक तरफ चाय चढ़ाया है, एक तरफ दूध चढ़ाया है और देखिए खिड़की के पास मेरी धूप बत्ती भी अभी जल रही है। तो बस कितनी जल्दी मेरा काम हो जाता है ना, अच्छा लगता है जब आप टाइम से उठो ना तो काम भी टाइम से हो जाता है, नहीं तो फिर गर्मी के मारा हालत ख़राब हो जाती है। 9 बजे के बाद ना गर्मी शुरू हो जाती है और बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। तो इतनी भयंकर गर्मी में ना तो कुछ करने का मन करता है ना कुछ खाने का मन करता है। तो बस कोशिश यही रहती है कि 9 से 10 तक जो है काम अपना सारा ख़त्म कर लें। चलो 11 बज गई तो भी ठीक है, लेकिन 11 बजे तक काम ख़त्म हो करके एकदम अंदर रूम में जो है रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटा बेबी है तो उसको भी ध्यान देना है, मुझे खुद अपने ऊपर भी ध्यान देना है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और चलो कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 8, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, नाश्ता की तैयारी कर ली है, अभी सब लोग सो रहे हैं, मशीन में कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं। तो आज मेरा सारा काम बहुत जल्दी हो चुका है और अभी इंतज़ार करते हैं ये लोग उठे फिर नाश्ता वास्ता गर्मा गर्म बनाए। और उठ गए